राजोण जी मुलाकात करेंगे। अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, ज्ञानी सुल्तान सिंह और एस जी पी सी के प्रधान मुलाकात करेंगे और मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन यानी कि कल। जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने जेल प्रशासन तो समा मंगया कि राजोणा बलवंत सिंह राजोणा जी मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात का समा तो जेल प्रशासन के वालों दे दिता गया यानी कि इजाजत जरूरी होंगी है कानून के मुताबिक जेल प्रशासन तो लैनी तो फिर हुण मुलाकात कल के दिन होगी। लाजमी तौर पर इस मुलाकात के जरिए जोड़े जथेदार साहब ने वो कोशिश करेंगे अपील करेंगे बलवंत सिंह राजोणा कि तुम अपनी भुख हड़ताल को खत्म कर दो और इस मुद्दे उत्ते उन्होंने केंद्र सरकार को जथेदार साहब ने केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम भी दिता हुआ। खैर जो भुख हड़ताल लैके एक पासे खूब सियासत हो रही हो पर दूजे पासे बलवंत सिंह राजोणा के मुलाकात करने के लिए खुद जथेदार पटियाला जेल के पहुंच रहे हो फिर फर्क तो पैंदा है। अगे वाद्या प्रधानमंत्री सुरक्षा के कुताही के मामले च गृह मंत्रालय ने मुड़ तो पंजाब सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के हवाले तो खबर है कि चिट्ठी के विच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पूछा है कि सुरक्षा के विच कुताही के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के उत्ते हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चिट्ठी के विच इस गल का भी जिक्र है कि जेकर सही दे नाल कार्रवाई नहीं की गई तो सानू एक्शन लेना होगा। दस दिए कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विच कुताही के मामले च 7 पुलिस अधिकारियों के उत्ते गाज डिगाई सी जिन्हां दे विच गुरविंदर सिंह SP ऑपरेशन, प्रोसोन सिंह DSP, जगदीश कुमार DSP, जतेंद्र सिंह इंस्पैक्टर, बलविंदर सिंह इंस्पैक्टर, जसवंत सिंह इंस्पैक्टर ते राकेश कुमार ASI। खबर है कि हुण गृह मंत्रालय दे वल्लों लिखी गई चिट्ठी दे विच पुछया गया है कि IPS रैंक दे अधिकारियों दे उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिक्र खास है कि पिछले साल पंजाब विधानसभा चोणां दे दौरान 5 जनवरी नूं बठिंडा तो सड़क मार्ग के जरिए प्रधानमंत्री फिरोजपुर आ रहे सन। उस वेले किसानों ने राह दे विच जाम लगा दिता। इस वजह दे नाल प्रधानमंत्री मोदी दे काफले नूं फिरोजपुर दे प्यारेआणा फ्लाईओवर दे उत्ते रोकना पिया। फ्लाईओवर दे उत्ते काफला करीब 20 मिनट तक रुकिया रहा। इस तों बाद सुरक्षा कारणां दी वजह दे नाल प्रधानमंत्री मोदी दे काफले नूं फिरोजपुर जाण दी बजाए वापस यूटर्न लेना पिया सी। ते हुण इस दे विच कार्रवाई की हुंदी है, किन्हां किन्हां दे उत्ते हुंदी है, कदों हुंदी है, पंजाब सरकार करदी है, केंद्र सरकार एक्शन लैंदा है, उह देखणा होएगा। उधर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चोणां नूं लै के पंजाब स्टेट इलैक्शन कमिश्नर नूं झड़ पाई। हाई कोर्ट ने इलैक्शन कमिशन नूं अगले हफ्ते तक चोणां दा शेड्यूल दसण नूं कहा है अते अजिहा ना करन दे उत्ते जेल जाण नूं तैयार रहण नूं वी कह दित्ता। नाल ही हाई कोर्ट ने 50,000 दा जुर्माना लगाउण दी वी गल कही। पर असल दे विच की होया, अज आके पंचायत अपने इलैक्शन कमिशन दे ऑफिशियल्स ने उन्होंने अज फिर एक हफ्ते दा टाइम मंग लिया जिदे तहत अज जिहड़ा हाई कोर्ट दे बेंच ने उन्होंने करड़े हत्थी लैंदे आ फटकार लाई है कि या तो एक हफ्ते दे विच इहदा जवाब दिता जाए, जिहड़े पिछले ऑर्डर्स उन्होंने कंप्लाई किया जाए, नहीं तो जिहड़े कॉन्सिक्वेंसिज आ बीयर करन इलैक्शन कमिशन ते उन्होंने ऑफिशियल्स तैयार है। दस दिए कि एक पंचायत दीआं ज़िमनी चोणां करवाउण दी मंग नूं लैके पटीशन दाखल की गई सी। हाई कोर्ट ने उस वेले चोण करवाउण दे हुकम दे दिते सन, चोण नहीं करवाउण दे ते सरकार दे खिलाफ अवमानना पटीशन दाखल कर दिती गई। हुण सरकार दा कहना है कि सारियां पंचायतां दीआं ही चोणां हो रहियां ने। इस दे उत्ते पटीशन करता दे वकील ने कहा कि हुण तक इह सामणे नहीं आ सकिया कि चोणां कदों होणगीआं, इस दा शेड्यूल की है, जिस दे उत्ते हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट इलैक्शन कमिश्नर नूं झाड़ पाई।